मोबाइल फोन कंपनीज आए दिन अपने स्मार्टफोन की नई सीरीज लॉन्च करते ही रहते हैं। इसी में शामिल OnePlus ने अफोर्डेबल सेगमेंट में Note 2 लॉन्च किया है, जिसके हाल ही में फटने की खबर आई है। शुभम श्रीवास्तव ने ट्वीट कर OnePlus Note 2 फटने की जानकारी दी। शुभम ने अपने पिता के लिए OnePlus Note 2 खरीदा था जो फट गया है। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट में किसी भी तरह की तस्वीर शेयर नहीं की है। शुभम के इस ट्वीट के मुताबिक उनके पिता सरकारी अफसर हैं और फोन के फटने से ट्रॉमा में हैं। हालांकि वो सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। इस ट्वीट में शुभम ने कहा कि उन्होंने OnePlus पर भरोसा किया था और वो खुद OnePlus 7 यूज करते हैं। शुभम के मुताबिक उनके पिता ने फोन फटने के बाद अपने कलीग से फोन मांगा और उन्हें जानकारी दी। शुभम इस घटना से नाराज हैं और इसे लाइफ थ्रेटनिंग बताते हैं। इससे पहले भी OnePlus Note 2 के फटने की खबर आई थी, साथ ही यूजर ने तस्वीर भी शेयर की। यूजर ने लिखा कि उनकी पत्नी साइकिल पर थी और OnePlus उसी समय फट गया, जिससे उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस पर कंपनी का स्टेटमेंट आया था। कंपनी ने कहा कि फोन फटने की वजह एक्सटर्नल फैक्टर है और फोन में किसी भी तरह की खराबी नहीं है। बहरहाल लोग OnePlus की तुलना Samsung Galaxy Note 7 से कर रहे हैं, जिसके कई बार फटने की खबर आई और बाद में इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।